बांग्लादेश ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान टीम और उसके फैंस ने कभी कल्पना नहीं की होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर टेस्ट सीरीज में हरा दिया। रावलपिंडी में खेला गया दूसरा टेस्ट भी बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया और इसी के साथ पाकिस्तानी टीम को 0-2 से क्लीन स्वीप की हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान ने पहली बार बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज गंवाई है और जाहिर तौर पर इस हार का साइड इफेक्ट भी उसके खिलाड़ियों को अब झेलना पड़ सकता है। वैसे भी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले ही ये बात कह दी थी कि भाई टीम को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। ऐसे में क्या इस सीरीज के बाद ये बड़ी सर्जरी दिखती नजर आएगी, सवाल ये है। इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कि वो चार खिलाड़ी कौन होंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम से बाहर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, सर्जरी का सीधा मतलब यही है कि कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इस सीरीज के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे। इसमें चार प्रोबेबल खिलाड़ियों पे हम आपको चर्चा करके बताते हैं। पाकिस्तान की टेस्ट टीम से अगर सबसे पहले कोई खिलाड़ी बाहर हो सकता है तो वो है ओपनर अब्दुल्ला शफीक। पाकिस्तान के इस ओपनर ने बांग्लादेश के खिलाफ काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया है। वैसे तो शफीक की तकनीक की बड़ी तारीफ की जाती है, लेकिन दो टेस्ट मैचों में केवल 10.5 की औसत से 42 रन बनाए हैं उन्होंने और उनका शॉट सिलेक्शन जो है वो काफी सवालों के घेरे में रहा। अगला नंबर आता है पूर्व कप्तान बाबर आजम का, बॉब्जी द किंग का। बाबर आजम पर भी अब टेस्ट टीम से बाहर होने की तलवार लगातार लटक रही है। पाकिस्तान का ये टॉप बल्लेबाज इस फॉर्मेट में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। हालात तो ये हैं कि बाबर पिछले 16 टेस्ट पारियों से अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं। शतक की बात तो बहुत दूर की है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी वो 16 की औसत से मात्र 64 रन ही बना पाए। बाबर आजम के खिलाफ पाकिस्तान में गजब का एक माहौल बना हुआ है। पीसीबी उनके खिलाफ भी एक्शन लेने से कतराएगी बिल्कुल नहीं। बाबर आजम के अलावा शाहीन शाह अफरीदी का भी अब टेस्ट टीम में बना रहना मुश्किल नजर आ रहा है। शाहीन को इस टेस्ट सीरीज में पहला मैच खिलाया गया था, दूसरे टेस्ट मैच से उनको बाहर कर दिया गया था। उन्होंने पहले मैच में केवल 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे टेस्ट में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने बताया कि उनसे बातचीत हुई है जिसके बाद उन्हें आराम दिया गया है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि शाहीन अपने दूसरे टेस्ट से बाहर होने से काफी नाखुश है। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही है, उनकी स्पीड भी काफी गिर गई है और अब अगर अगली टेस्ट सीरीज में अफरीदी पाकिस्तान टेस्ट टीम में नजर नहीं आए तो चौंकिएगा बिल्कुल मत। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो नए यंग फास्ट बॉलर्स चार जिनको ट्राई किया गया दूसरे टेस्ट मैच में, उन्होंने भी बेहतर गेंदबाजी करके दिखाया है। खुर्रम शहजाद की बात कर लें, और भी कई गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल से काफी बढ़ के परफॉर्म किया और इससे पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो जगह है वो बिल्कुल खतरे में है। इसके बाद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद का भी पत्ता साफ हो सकता है। शान मसूद ना केवल बल्ले से अच्छा कर पाए हैं बल्कि उनकी कप्तानी की भी लगातार आलोचना की जा रही है। शान मसूद अपनी कप्तानी से सभी टेस्ट मैच अभी तक हार चुके हैं। अपनी बल्लेबाजी में भी वो इस सीरीज में केवल 26.25 की औसत से 105 रन ही बना पाए हैं। शान मसूद का टेस्ट औसत भी 30 से कम का है। पीसीबी के इतिहास को देखा जाए तो वो अपने कप्तान को भी बाहर करने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। कुल मिलाकर अगर एक बड़ी सर्जरी जिसकी बात हो रही है तो होती है तो सबसे पहला नंबर पाकिस्तान के कप्तान का हो सकता है। शान मसूद क्या टेस्ट टीम से बाहर होंगे या क्या जिन चार खिलाड़ियों की हमने बात की है वो इस सीरीज के बाद टेस्ट टीम से बाहर होते नजर आएंगे, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।